नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए गठबंधन की नई सरकार का मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले नए मंत्रियों में नीरज कुमार बबलू सर्वाधिक अमीर मंत्री हैं। उन्हें पर्यावरण मंत्री बनाया गया है और वो 14 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं, जबकि नए मंत्रियों में सबसे कम अमीर मोहम्मद जमा खां है। मिली जानकारी के अनुसार उनके पास 30 लाख रुपए की संपत्ति है। आपको बता दें कि पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा आम चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष इनके द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा दाखिल किया गया था। इसके अनुसार जयंत राज के पास भी 1 करोड़ से कम की संपत्ति है। इनके पास 61,67,889 रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं तीन नए मंत्रियों के पास 5 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनमें शामिल संजय झा व सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि सुनील कुमार गोपालगंज जिले के भोरी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय झा के पास 8 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, तो वहीं सम्राट चौधरी के पास 7 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सुनील कुमार के पास 6 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। राज्य के 11 नए मंत्रियों के पास 1 से 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। इनमें शामिल शहनवाज हुसैन के पास 3.92 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 22,78,145 रुपए की चल संपत्ति और 3,70,00,000 रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। भाजपा के नामी नेता शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की बात करें तो उनके पास 2.39 करोड़ की संपत्ति है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के पास 2.02 करोड़ की संपत्ति है, तो वहीं गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के पास 3.83 करोड़ की संपत्ति है। प्रमोद कुमार मोतिहारी से विधायक निर्वाचित हुए हैं। धमदाहा से विधायक लेसी सिंह के पास 2.53 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया है। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के पास 2.17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भाजपा के युवा नेता और बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन के पास 1.74 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आपको बता दें कि नितिन नवीन को नए मंत्रिमंडल में पथ निर्माण विभाग मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एकमात्र निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए सुमित कुमार सिंह के पास 3.68 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आपको बता दें कि चकाई विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए सुमित कुमार सिंह ने चुनाव बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को अपना समर्थन दिया था। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के पास 1.76 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन के पास 4.15 करोड़ रुपए की संपत्ति है। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के पास 1.06 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। आपको बता दें कि संपत्ति से संबंधित यह जानकारी इन सभी मंत्रियों ने बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग के समक्ष दिया था। बताते चले कि मंत्रिमंडल विस्तार में मंगलवार को 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें भाजपा कोटे से 9 मंत्रियों ने शपथ लिया, जबकि जदयू कोटे से 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। इससे पहले नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर 13 मंत्री थे। इनमें जदयू से 4 और भाजपा से 7, जबकि हम और वीआईपी कोटे से 1-1 मंत्री थे। मंगलवार को हुए विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या 31 हो गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।